हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दूसरा दिन हो गया है, हम लोग उठ गए हैं, पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है अब तक तो होटल रूम। कीवी को रेडी कर दिया है, कीवी के पापा रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो रही हूँ और आज हम जाने वाले सोनमर्ग। सोनमर्ग की वादियों से डायरेक्ट आपको दिखाने वाले हैं वहाँ का व्यू और आई होप कि हमें वहाँ पर स्नो मिले और हम लोग इन्जॉय कर पाए, क्योंकि कीवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्नो को लेके। तो अभी तो मौसम ठीक है, रात में 0 पे चले गया था, अभी थोड़ा ठंड भी नहीं लग रहा है, सभी अंदर बहुत सारी लेयरिंग पहनी है। चलिए चलते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर हम दोनों रेडी होके निकल चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारी होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच ही हो जाता है वो। सोयाबीन, केचप मिलेगा, चाय, दूध, दलिया, छोले पूरी, फ्रेंच फ्राइज। कीवी के बहुत मजे हो गए, फ्रेंच फ्राइज मिल गई फर्स्ट टाइम। महावीर भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, भगवान का नाम लेके निकल गए हैं हम सोनमर्ग के लिए। और ये देखिए यहाँ के कितने प्यारे घर हैं। सबसे अच्छे मुझे यहाँ पर जो है इस घर का आर्किटेक्चर लगा था, बहुत प्यारा सा लगा था। सोनमर्ग निकले थे और इसी उम्मीद के साथ कि हमें वहाँ बर्फ़ मिलेगी और स्नोफॉल मिलेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर। और यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई थी हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले तक ये रास्ता बंद हो चुका था, यहाँ पर पूरा बर्फ स्नो था। और आसपास जो ये लोग खड़े हैं फ्रेंड्स, लिटरली सलाम है इन लोगों को, हैट्स ऑफ कि वो इतना कठिन जॉब कर रहे हैं, वो भी इतनी ठंड में। वापस इस रोड पर ना? नहीं, इसी रोड से नज़ारे देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत है। घर के होटल के आगे पूरी बर्फ़ है और वहाँ से नदी बह रही है, इससे सुंदर और क्या चाहिए। गाइस, तो हम रास्ते में जा रहे हैं सोनमर्ग और हमको रास्ते में ये जो व्यू दिखा, इतना मस्त व्यू है, नदी और स्नो तो आपको दिख रही होगी साइड में। और बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं है, शर्ट पहना ही ना पहना, लेकिन इतना ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप भी व्यू एंजॉय करो। फ्रेंड्स, वी आर इन स्नो। सोनमर्ग अलग ही दुनिया है, पूरा व्हाइट हो रखा है। और ये देखिए, ये देखिए हमारी कीवी रेडी है। कीवी अभी इधर मत आओ, पानी में मत आओ, ये तैयारी हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्या गजब का होटल बना है, होटल सनशाइन, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, इन वादियों में। अभी जाने वाले हैं ऊपर, उसके पहले सब लोग थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जो पानी गिर रहा है वो बर्फ़ बनते जा रहा है। और ये वो होटल है जिसका वॉशरूम था और यहाँ पर रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका था। चलो। चलो।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पहला व्लॉग श्रीनगर का देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि इस बार हम अकेले नहीं हैं, अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप करने आए हैं कश्मीर में। और ये जो ट्रिप है हमने बुक करी है ट्रिप फैक्ट्री से। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम ये नहीं करना चाह रहे थे। खुदा आपको मैं दुआई करूँगा, मुझे चार बेटी बेटा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बेटी तो अच्छी होती भैया। फ्रेंड्स, कीवी के लिए हमने कर ली है स्लेज क्योंकि वो इतना नहीं चल पाएगी। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं लेकिन बार्गेन करने पे हो गया। अभी आगे देखते हैं, एक ताजमहल पॉइंट है वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट वो जो आवाज़ थी वो इन भैया की थी। एक्चुअली में आप जैसे ही एंट्री करते हैं ये सारे लोग आपके पीछे आ जाते हैं कि स्लेज कर लीजिए, गाड़ी कर लीजिए। हम लोगों को नहीं करना था क्योंकि हम लोगों को एंजॉय करना था, बट हमने फिर कीवी के लिए एट लास्ट कर लिया था ताकि उनको भी बुरा ना लगे। और वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और अच्छा ही हुआ, कीवी इतना चल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा लंबा चलना था। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैगी बनी ही पहाड़ों के लिए है। आप क्या बोलते हैं, जितना घर में खाने में मज़ा नहीं आता है उतना इतनी ठंडी ठंडी हवाओं में और इतने बर्फीले मौसम में खाने में मज़ा आता है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए अम्मू यहाँ पर स्लेज खींचते हुए, बड़ा मज़ा आ रहा था इसको खींचने में भी। इसकी एक मतलब एक थॉट भी था कि वो जो भैया थे उनका रमज़ान चल रहा था, रोज़ा था, तो हमने सोचा थोड़ी देर हम भी इसको चलाते हैं और मस्ती करते हैं। और ये रील वाले भैया थे जो शूट करने वाले थे हमारा वीडियो, हम उनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये सारी रील सारी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुकी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और इंस्टाग्राम की इस आईडी पे जल्दी से फॉलो। मैंने इनसे अपनी रील बनवाई है। भैया आपका नाम क्या है? वसीम। भैया से अगर आप आओ तो इनसे ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी रील बनाई है भैया ने। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए कश्मीर की वादियाँ पूरे 360 व्यू में। तो फ्रेंड्स, अब कुछ काम की बात जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। यहाँ पर जो है स्नो बूट आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन वो लोग इसमें भी बार्गेनिंग करते हैं। एट लास्ट 100 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से हमें यहाँ पर मिल गए थे। और दूसरा आता है स्लेज गाड़ी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की थी, मतलब हम लोगों ने 2500 से डायरेक्ट वो 1000 रुपीज़ पे आए थे। अभी हम आ गए हैं उस पहाड़ के पीछे से यहाँ पर, और ये देखिए क्या प्यारा लग रहा है, कुल बर्फ की वाइट वाइट चादर ओढ़ी हुई है। और अभी हम जाने वाले हैं वहाँ ताजमहल के पास जो कि बनाया गया है आइस से। चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या आर्ट है, मतलब हम आइस को अपने हाथों से छू नहीं पा रहे थे और किसी आर्टिस्ट ने ये पूरा ताजमहल की जो कलाकृति है वो पूरी बर्फ से बनाई है। और फ्रेंड, इसके अंदर एक छोटा सा मतलब रूम जैसा भी बनाया हुआ है। अम्मू जा रहे हैं बर्फ के ताजमहल में। अम्मू जाओ, उनके पापा फिलिप करेगा बच्चा। ननू बैठ जा, बैठ के आ जा, बैठो आप, ले लो फोटो। से हाय फ्रॉम बर्फ ताजमहल इसका। तो अभी मेरे सामने ही एक आंटी गिर गई थी तो इसके कारण मैं अंदर नहीं गई। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे बाहर से ही देखना है। तो देखो गाइस, हम आ गए सोनमर्ग में। यहाँ पे बना हुआ था एक शानदार सा ताजमहल, ये देखो ताजमहल बनाया था किसी आर्टिस्ट ने और इसके अंदर एक रूम भी बनाया उन्होंने। और यहाँ पे जो है पूरा ग्राउंड है और स्नो एक्टिविटीज हो रही है।
और इसके अलावा जो है यहाँ पे सारे आप देखोगे इधर टेंट लगे हुए हैं, उसमें चाय, कॉफ़ी, मैगी और ये सारा क्राउड। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। अभी रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ वाह अम्मू, यार क्या शॉट आ रहा है। फ्रेंड्स बहुत थक गए हैं अब, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, तो फिर थोड़ी चाय तो बनती है गरम गरम। कैसी है चाय? कैसी है? गरम मीठी है, ठंडी ठंडी में। किबी आप कौन सा गाना गा रही थी? गाना गा के दिखाना जरा। अच्छी है। तो मैं यहाँ अम्मू को बोल रही हूँ कि अम्मू हम चलते हैं, क्योंकि कीवी दो तीन बार रो चुकी थी। मतलब जब एक्सट्रीम थोड़ा सा ठंड लगने लग रही थी तब उसको अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर मस्ती में आके खेलने लगी थी। ये देखिए किस फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रही है। ये जो फीलिंग है ना, ये आपको आके ही पता चल सकती है। मतलब आप वीडियो में जितना एंजॉय कर रहे होंगे उतना ही एंजॉय हम यहाँ कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, आप देख सकते हैं मैंने अपना जैकेट भी उतार दिया है। सन बिल्कुल सामने है और ठंड बिल्कुल नहीं है, अभी बर्फ है। बहुत मज़ा आ रहा है। गया है गुलमर्ग में हमारा एंजॉयमेंट, बहुत सुंदर है। ऐसा व्यू हमने अभी आज तक नहीं देखा था और बहुत प्यारा लगा। अब हम जा रहे हैं अपनी कार तक और आपको मिलेंगे सीधे श्रीनगर में। लेट्स गो, तब तक एंजॉय द व्यू। बाय। सो ये जो है ये होटल है और यहाँ पर सारे गाड़ी यहाँ पर भी पार्क होती है, यहीं से फिर आपको बोट खरीदना होता है। गाइस कैसी कैसी रही यात्रा? एक नंबर, सोनमर्ग पैसे वसूल। मजा आ गया। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, कीवी ने बहुत एंजॉय करा। देखो गाड़ी तो हमने काफी 3-4 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए और एक बार हम थोड़ी टाइम बाद जो है एडजस्ट हो गए तो फिर हमको ठंड लगना बंद हो गई थी। और ऊपर तो हमने थोड़े टाइम के लिए जैकेट वगैरह सब उतार दिए थे, अभी पहन लिए। आप बताइए सर। मजा आ गया, मजा। I really enjoyed this. Loved it, man. Loved it. बोले मजा आ गया गाइस, बहुत मजा आया। अब चलते हैं श्रीनगर की तरफ। अभी हम गाइस आ गए हैं, शूज रिटर्न कर रहे हैं अपने और टाइम हो गया है जाने का। अब जाते हैं वापस से श्रीनगर, 2.5 आवर की राइड है और काफ़ी टाइम हो गया, हमने अच्छा खासा स्पेंड किया यहाँ पे टाइम। फ्रेंड्स अभी लिया है हमने नेक्स्ट का ब्रेक, नहीं थोड़ी सी बस। और ये क्या है, कौन सा पराठा है? पनीर पराठा। पनीर पराठा, मिक्स पराठा। और क्या तो गाइज हम लोग होटल में आ गए थे, आराम कर लिया और ये देखिए अब हमारी हो रही है, क्या हो रही है कीवी? पिज्जा पार्टी। ये पिज्जा पार्टी। और आज दिन का एंड करते हैं पिज्जा के नोट पे, पिज्जा खाते एंड करते हैं। मिलूंगी आपसे, बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।